Hello everyone, subscribe my channel 5 billion dreams. नमस्ते जी। सर मेरा नाम स्नेहलता है, मैं अलवर जिले के छोटे से गांव बांसुर की रहने वाली हूँ। कहाँ से? अलवर जी, अलवर जिले के बांसुर गांव से। हाँ हाँ, क्या नाम आपका? स्नेहलता। स्नेहलता जी, हाँ बताइए। मैं 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ सर, और अभी मैं 7 साल से अपना CSC सेंटर चला रही हूँ। कितने साल से? 7 साल से सर। अरे वाह। और मैंने अभी आपका जो ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर करने का जो अभियान है, उसके लिए मैं अपने पूरे ग्रामीण भारत की तरफ से और मेरी तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हम ग्रामीणों के लिए ये योजना लेकर आए, और इससे मेरे जैसी लाखों बहनों को तो रोजगार मिला ही, और इसके साथ मेरे गाँव वाले इतने सशक्त और सबल बने हैं कि आज वो जो भी सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा पूरे हक से उठा पा रहे हैं। हमने सर घर घर जाके डिजिटल साक्षर किया है उन लोगों को। आपके आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? सर 10,000 है मेरे गांव। 10,000 है। सब लोग आपके इस सेंटर को जानते हैं? बिल्कुल सर। और सब लोग दिन में कितने लोग आते होंगे सेंटर पे? सर दिन में 500 से 600 लोग। 500 से 600 लोग, यानी कभी तो गांव के डॉक्टर के पास भी 500 से 600 लोग नहीं आते, इतने लोग आपके यहाँ आते हैं। नहीं सर, उनको किसी भी तरह की कोई भी योजना लेने के लिए मेरे गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो उनसे पैसों से संबंधित हो, तो वो वहीं पे आके अपनी जो पेंशन है वो लेते हैं, मनरेगा का जो पैसा है वो उनके डायरेक्ट खाते में आता है, और वो अपना आधार लेके आते हैं और आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से सीधा अपने। आपकी आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? सर 12वीं तक पढ़ी हूँ मैं। मैं हैरान हूँ, जैसे आप बता रही है ऐसा लगता है कि आपने तो PhD किया हो। नहीं सर, 12वीं तक पढ़ी हूँ सर। तो ये इतना बढ़िया, आप कितने टेक्नोलॉजिकल शब्द बोल रही हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि देखिए फॉर्मल एजुकेशन के बाहर भी टेक्नोलॉजी का प्रभाव से शिक्षा का रूप कैसा बदल रहा है। और मैं आपको सुनकर के मुझे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितनी बातें बताई उसमें टेलीमेडिसिन, अब अगर टेलीमेडिसिन गाँव में 12वीं कक्षा पढ़ी हुई एक बहन बोल रही है तो इसका कितना महत्व मैं समझ सकता हूँ। तो आपने बहुत, मुझे लगता है आपने इस काम में महारत हासिल कर दी है, ऐसा लग रहा है। और सर हमने उन लोगों को जो बिल्कुल मुख्य धारा से कटे हुए थे, जैसे बंजारा लोग हैं और गाड़िया लुहार हैं, उन लोगों को हमने डिजिटल साक्षर किया है, और जो भी आपकी योजना है उनके बारे में उनको बताया है। आज वो जो खाद्य सुरक्षा है उससे जुड़ चुके हैं, अपना आधार कार्ड बनवा चुके हैं, अपना राशन कार्ड। ये लोग तो, ये जिनका नाम आप बता रही हो, ये तो घुमंत लोग होते हैं, एक जगह पर रहते नहीं, वो तो चलते फिरते रहते हैं, गांव बदलते रहते हैं। बिल्कुल घुमंत तो है, पर सर मेरे गांव के आसपास जो भी लोग हैं अभी वो 4-5 साल से कहीं नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं, उन्होंने वहीं का राशन कार्ड बनवा लिया है, अपना आधार कार्ड बनवा लिया है, और खाद्य सुरक्षा में वो जुड़ चुके हैं, और आपकी जो भी सरकारी गैर सरकारी योजनाएं हैं अपने देश की वो बेबाक तरीके से उनको उठा रहे हो। आपकी जो उज्ज्वला योजना है सर, उसके तहत उन लोगों को गैस कनेक्शन भी मिले हैं। अच्छा। आज चाहे उनके सर पे छत नहीं हो, लेकिन उसकी उनकी झोपड़ी में गैस कनेक्शन रखा है, वो गैस पे खाना बना रहे हैं। और सर अच्छा, और कौन है जो आपके साथ काम करने वाले या आपके लाभार्थी, कोई बात बताना चाहते हो, कोई है वहाँ? हाँ सर। हाँ बताइए जी। सर नमस्ते, मेरा नाम पूनम सपेरा है। मेरे क्या, पिता क्या, नाम, क्या नाम बेटा? पूनम सपेरा। पूनम सपेरा, यानी जो जो सपेरा हाँ, जिस दुनिया जानते उसी परिवार से आप? हाँ, जो घुमंतु जाती है। अच्छा, तो आप क्या करते हो बेटा? जी मैं बी ए सेकेंड ईयर में पढ़ रही हूँ। वाह, बहुत पहले तो आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। जी सर, हमारे समाज में लड़कियों को सपेरा समाज के माँ बाप अगर पूनम को पढ़ाते हैं और कॉलेज भेजते हैं तो सबसे पहले उस माँ बाप को मेरे प्रणाम। जी सर, हमारे समाज में इतने नहीं पढ़ते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी मेरी शिक्षा के बारे में समझा और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कॉलेज जाने लग गई, और
मैंने सीएससी सेंटर के माध्यम से पीएमजी दिशा का कोर्स किया और डिजिटल दुनिया के बारे में पता चला, और आपकी वजह से मुझे निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के बारे में पता चला। इसी वजह से मैं इंटरनेट की दुनिया के बारे में जान पाई, और जैसे कि ईमेल करना, बिल भुगतान, व्हाट्सएप, फेसबुक और इन सब के बारे में मुझे जानकारी मिली। मैं आज इंटरनेट के माध्यम से हर कोई जॉब अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए, आजकल के लोग कहते हैं आजकल के नौजवानों का ज़्यादा टाइम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप उसी में बर्बाद हो जाता है। आपका समय कैसे बचाती हो, जरा बच्चों को बताइए, देश भर के बच्चों को बताइए पूनम। जी सर, मैं वैसे जॉब वॉब की तैयारी देख लेती हूँ नेट पे, या और ईमेल करना हो या और कुछ इंटरनेट के माध्यम से। बहुत बढ़िया, और कौन बताएंगे? सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम रीना, मैं बानसुर में मोजपुर की रहने वाली हूँ सर। अब मैं बी ए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ सर। सर मुझे पीएमडी दिशा के बारे में सर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया, तब मैंने सीएससी सेंटर पर आकर सर मैंने पीएमडी दिशा के 10 दिन की ट्रेनिंग ली सर, तब मुझे डिप्लोमा भी मिला सर सही से, और आज मैं बीपीओ और रूरल बीपीओ में काम कर रही हूँ सर। इससे मुझे आपकी डिजिटल साक्षरता योजना से सर मुझे ये जॉब मिली है सर। इससे आपके रूरल बीपीओ में कितने लोग हैं? सर 10 लोग काम कर रहे हैं। 10 लोग काम कर रहे हैं, और कितने घंटे चलाते हैं आप रूरल बीपीओ? रूरल बीपीओ जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। अच्छा। और इसमें प्रॉपर तरीके से डिजिटली जो इनको प्लेटफॉर्म सीएससी के द्वारा दिया गया है, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इन्हें डेटा अलॉट किया जाता है दिल्ली से। जरा रीना जी को बोलने दीजिए ना। जी सर। हाँ रीना जी बताइए। सर आज मैं इस जॉब से मैं बहुत खुश हूँ सर, और मेरे गांव वाले भी बहुत खुश हैं सर कि मुझे देखकर। पहले लड़कियों को 8वीं और 10वीं तक ही पढ़ाई किया करते थे, लेकिन आज मुझे देखकर वो लोग भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजने लगे हैं सर पढ़ाने के लिए। आप लोगों को कितनी भाषा में बात करनी पड़ती है रीना जी? सर 3-4 भाषा में। वैसे सर हम हिंदी में ही बात करते हैं ज्यादातर लोगों से। अच्छा, लेकिन आपको लगता है जब लोगों से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता होगा ये हमसे कैसे मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, जरा नया अनुभव भी तो रोज आता होगा। जी सर। सर मैं नमो ऐप के बारे में बोलना चाहूंगा। हाँ बताइए। सर मेरे गांव वाले उससे इतना खुश हैं कि वो बस नमो ऐप पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे देश विदेश में जाके हमारे देश की छवि को निखार रहे हैं, भारत माता के सर को कितना गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि आप जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में, जब तक हम जिए हमारे देश में मोदी जी ही प्रधानमंत्री हो। वो कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी ऐप का उपयोग बराबर करती हैं? बिल्कुल सर। आपके सीएस सेंटर को मालूम है नरेंद्र मोदी ऐप पर सब खबरें होती हैं? जी सर, जब जहाँ भी आप जाते हैं गांव वाले देखते हैं और कहते हैं कि देखो तुम तो कहते हो कि 2 घंटे काम करते हो थक जाते हो, हमारे मोदी जी भी है जो 18-18, 22-22 घंटे बिना रुके काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसी योजनाओं को लागू किया, और आपके टीम के जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर जी, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि वो बड़े तेज तर्रार मंत्री हैं आपकी टीम के। और वो जो भी सभी सभी पर सीएससी की कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती है उनमें वो हमें उत्साहित करते हैं और बताते हैं कि देखो हमारे प्रधानमंत्री जी बिना रुके कैसे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इससे हमें काम करने के लिए और ऊर्जा और उत्साह मिलता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है, मेरी आपको शुभकामनाएं। देखिए नरेंद्र मोदी ऐप से आप लोगों ने जो विचार और सुझाव मुझे भेजे हैं वो मुझे मिलते रहते हैं, और वो मुझे बहुत काम भी आते हैं। जैसा हम सब ने देखा, हमारे देश में ऐसा मिजाज है हम कोई भी नई चीज सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, न उम्र का बात होता है, न कितने पढ़े हैं लिखे हैं, कुछ नहीं, हर कोई सीखना चाहता है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel.